और जवानी से गुजरते लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है तो शेयर कर दीजिएगा और आइए सुनते हैं कि एस टी डी इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज़ वो इन्फेक्शन हैं जो सेक्शुअल एक्टिविटी चाहे वो आपकी वेचाइनल सेक्स हो ओरल सेक्स हो एनल सेक्स हो या कई बार सिर्फ किसिंग हो उससे भी फैल सकती है जी हाँ किसिंग को भी उसमें मिला दिया जाता है बिकॉज कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो सलाइवा में भी मौजूद होते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो मदर से उसके गर्भ में बच्चे को भी चले जाते हैं उसको भी कंसिडर uh, करना पड़ता है सो बिकॉज अल्टीमेटली वो सोटीमेटली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो मान लीजिए हस्बैंड से वाइफ में गई और वाइफ से बच्चे में गई सो बिकम्स थ्रू दैट है कि नहीं सो so, क्या क्या हो सकती है ये बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है पैरासाइट हो सकता है सो so, क्या प्रॉब्लम होगा अगर एसटीडी हो गया अगर मान लीजिए कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे कि क्लेमेडिया गोनोरिया जेनाइटल हर्पीज एच आई वी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस ये सब एक जनरल एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको अगर इनका सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो कुछ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से लंबे समय तक बड़ी बीमारियाँ जैसे कि कुछ ब्लाइंडनेस ब्रेन डैमेज इनफर्टिलिटी नपुंसकता बर्थ डिफेक्ट्स और इवन डेथ भी हो सकती है मतलब कुछ भी गड़बड़ हो रही है नीचे चेक करवाओ समझे सेक्सुअली एक्टिव हो कोई दाना है तो अभी सिम्टम पे आते हैं बताते हैं क्या सिम्टम है फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ऑलमोस्ट सभी के ट्रीटमेंट है आई मीन मैनेज करने की तो सारी दवाइयां हैं इवन एच को भी मैनेज हो जाता है आज के डेट में कई सारे ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं कुछ लोग जो है बढ़िया से अच्छे लेवल तक ठीक भी हो जाते हैं ठीक मतलब एच नेगेटिव भी हो सकते हैं एच एड्स में तब्दील होने से रोका जा सकता है तो बहुत कुछ है बात करो एस टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो है कौन सी चीज़ की टेस्टिंग कब होती है फिर भी जनरल बातें बता देता हूँ कि टेस्टिंग आ, क्यों करी जाती है अगर आप को, कोई डाउट है आपका अनसेफ सेक्स हो गया आपका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है आप सेक्सुअल वर्कर है आपके साथ अन वॉन्टेड जबरदस्ती सेक्स हो गया तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका एस का टेस्ट हो ठीक है ताकि बीमारी हो आपको तो पता चल जाए जल्दी ठीक हो जाए और आपको और ज्यादा कोई साइड इफेक्ट हो उससे पहले ट्रीटमेंट शुरू हो जाए सिंपल सो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा तो कोई सिम्टम आएगा ही आएगा कई बार आप दूसरे तीसरे को फैला देते हो आपको नहीं पता चलता आगे चल के सिम्टम्स आते हैं कई दिनों महीनों बाद ऐसा भी हो सकता है सो so, कई बार आप एस टेस्टिंग के टाइम पे नॉर्मल महसूस कर रहे हैं ठीक है और स्क्रीनिंग इसीलिए जरूरी है जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए बोला जाता है इसके ऊपर अलग वीडियो है किसकी कब स्क्रीनिंग रेकमेंडेड है थ्रू मेडिकल सी डी सीज या गाइडलाइंस क्या है सेक्शुअली एक्टिव पीपल को एस टी डी हो सकता है ओके okay? और टेस्टिंग इसीलिए रिकमेंड होती है अपने डॉक्टर से बात करें अगर आप सेक्शुअली एक्टिव हैं तो मोस्ट कॉमन थिंग करना है कि हर आपको अपने रेगुलरली जैसे जैसे रिकमेंडेशन है टेस्ट कराने हैं और अपने डॉक्टर से सच सच बताना है जो भी आप कर रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है एवरी सिंगल थिंग डजेंट मैटर वॉट इट इज़ ओके और कुछ सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपके कई बार लो कॉस्ट या कॉन्फिडेंशियल टेस्ट भी हो जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने बता दिया तो कुछ हो ही जाएगा वही सबको पता चल जाएगा बहुत बदनामी होगी ऐसा नहीं डाउट है टेस्ट करा लो नेगेटिव है खुश रहो है कि नहीं टेंशन कहाँ लेने का सिम्टम्स क्या होंगे अगर आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है तो अलग अलग के अलग अलग सिम्टम्स हैं पर इन जनरल अगर इसमें से कोई सिम्टम है तो आपने अपने टेस्ट कराना चाहिए पेनफुल यूरिनेशन है पेशाब में जलन हो रही है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है लेकिन सेक्स के टाइम सेक्स करते समय दर्द हो रहा है या बेजाइना से या पेनिस से बदबूदार चीज बदबू आ रही है या बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है ठीक है पेनिस से या इचिंग बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है वेजाइना में खुजली हो रही है या फिर सबसे बड़ा सबसे खतरनाक और बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी इग्नोर करने वाला नहीं साइन है अगर कोई रैश या छाला या सोर या बम्प आता है आपके जेनाइटल एरिया में पेनिस पेनिस के आसपास वेजाइना वजाइना के आसपास ठीक है बाल तोड़ की बात नहीं कर रहा मैं है ना बाल तोड़ अलग होता है शेविंग कर रहे हैं और वो सब कर रहे वहां बाल तोड़ हो गया ले डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे तो एस्टेट तो कभी सेक्स ही नहीं किया आई मीन दैट्स नॉट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है सो किसकी टेस्टिंग होनी चाहिए तेरह साल से सिक्सटी फोर के बीच में बोलते हैं एच आई वी की टेस्टिंग होनी चाहिए और पच्चीस साल से आप यंगर हैं तो गोनोरिया क्लामेडिया का टेस्ट होता रहना चाहिए और सेक्शुअली एक्टिव है तो पच्चीस साल से ऊपर हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं तो गोनोरिया क्लामेडिया का टेस्ट होता रहना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो जो प्रेगनेंट हैं और उनके सिफिलिस के टेस्ट होने चाहिए और एच आई वी का टेस्ट होना चाहिए हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होना चाहिए प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए बच्चे को बीमारी ना चला जाए काई को रिस्क लेना और जो इफेक्शन जिनको ऑलरेडी जिनको रिस्क है उनको प्रेगनेंसी के बीच में पहले क्लाइमेडिया गलूरिया कभी टेस्ट होना चाहिए है ना उनके लिए बहुत कई बार 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 रिपीट सैंपल्स लेने की जरूरत पड़ जाती है और अगर आप सेक्चुअली एक्टिव गे पर्सन हैं बाई है, है मल्टीप या फिर आ, आपके फिर और भी टेस्ट जरूरी हैं आपके उसके हिसाब से इवन तो एटलीस्ट साल में एक बार अपने सिफिलिस क्लाइमेडिया गलोडिया का टेस्ट कराओ और एच का टेस्ट कराओ और कई सारे और वायरसेस हैं उसके टेस्ट कराओ ठीक है एस के ब्लड टेस्ट होते हैं कई सारे कईयों के यूरिन सैंपल होते हैं कईयों हो के लिए कोई स्वैब लिया जाता है आपके पेनिस और या वजाइना से यूरिन सैंपल से कई सारे जैसे ट्रकोमोनिया से गोनोरिया का टेस्ट पता कर सकते हैं और स्वैब टेस्ट के क्लामेडिया गोनोरिया हर्पिस के लिए आ, या एच पी वी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और पैप्समेर पैप्समियर का नाम सुना होगा वो सब टेस्ट होते हैं लंबर पंक्चर यानी पीठ में छुई आपके स्पाइनल कॉर्ड में घोप के स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं सैरिपुर स्पाइनल फ्लूइड वो निकाल के टेस्ट बहुत ही रेयर होता है रेगुलर टेस्ट नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ तब सोचा जाता है कि अगर सिफिलिस जैसी बीमारी या हरपीज जैसी बीमारी ब्रेन में तो नहीं चली गई तो ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड आसपास के फ्लूइड में अगर आपको वायरस पकड़ में आता है या वो सिफिलिस का वो पकड़ में आता है तो दैट मीन्स वहाँ तक घुस गई है बीमारी तो डेंजरस टाइप तो ऐसे सिम्टम जिनको ब्रेन वाले सिम्टम है सिर्फ उसके टेस्ट होंगे वाकई किसके नहीं और उसमें फिर आपके पीठ में सुई डाली जाती है छोटा सा है ना पतली सी और घर पे टेस्टिंग के लिए भी कुछ किट्स अवेलेबल है दुनिया भर की बट बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है याद रखें अगर आपको सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर से बात कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका है सो so, टेस्ट कैसे करते हैं इसका टेंशन आपको लेना नहीं है डॉक्टर के पास जाइए टेस्ट के कोई खास रिस्क नहीं है अगर आपको है बीमारी तो पता चलेगी नहीं है तो ओके नहीं हो जाएगा सिंपल सा है रिजल्ट्स आपके आपके डॉक्टर बताएंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डॉक्टर से बात करो और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पॉजिटिव आता है तो शर्म मत करो अपने पार्टनर से बात करो यानी कि चार लोगों को और फैला के घूमते रहो डोंट डू दैट ठीक है हाउ टू प्रिवेंट एच कैसे प्रिवेंट करना है प्रोटेक्शन यूज़ करिए कॉन्डम्स यूज़ करिए सेक्सुअल पार्टनर जो है बार बार बदलिए मत ज़्यादा अच्छा रहेगा और शादी नहीं होती शादी कर लीजिए बेस्ट ऑप्शन है ठीक है और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो तो दो चार लोग हैं जो समझ लें थोड़ी बहुत बातें तो अच्छा है, है <laughs>